बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डिजिटल टू एनालॉग कन्वर्जन, इसके लिए ये वाला ट्रेनर हम यूज़ करते हैं कि L94001, लेकिन इसमें फिगर 10.6 ये वाला डिजिटल टू एनालॉग कन्वर्टर हम ये वाले यूज़ करेंगे। इसमें ये कनेक्ट प्लग लगा हुआ है, तो ये J1 है, J1 को हम यहाँ से शॉर्ट करते हैं। अब इसके आउटपुट पर ये जो डिजिटल टू एनालॉग कन्वर्टर की आईसी है और ये इसके आउटपुट पर ऑपरेशनल एम्पलीफायर लगा हुआ है, तो इसके साथ मैं DMM कनेक्ट करता हूँ। अब ये स्विचेस की पोजीशन है, जो इनपुट पर स्विचेस है यहाँ पर हम वोल्टेज को इंक्रीज कर रहे थे ग्रेजुअली, तो उसी हिसाब से ये जो LED की क्या है पोजीशन है, ऑन ऑफ हो रही थी। अब हम इसका उलट काम करेंगे, वहाँ पर स्विचेस ऑन ऑफ करेंगे तो उसी हिसाब से जो वोल्टेज है उसको हम DMM के थ्रू मेयर करेंगे। यहाँ पर ये जो स्विचेस लगे हुए हैं, ये इसका MSB है और ये इसका LSB है। इसको हम ऑन करते हैं तो उसको नीचे की तरफ ले जाते हैं, जब जो ऊपर वाले हैं वो ऑफ हैं और जो नीचे वाले हैं वो क्या है, वो ऑन है। ठीक है, अब यहाँ पर मैं DMM कनेक्ट करता हूँ, DMM को मैं ऑन करता हूँ। अब सारे स्विचेस जो है वो ऑफ पोजीशन पर हैं, तो यहाँ पर DMM में जो वोल्टेज है वो मुझे ज़ीरो शो हो रहा है, एनालॉग वैल्यू क्या है, ज़ीरो है। अब पिछले लैब में जो मैंने वन के लिए डिजिटल वैल्यू फाइंड की थी वो थी 0011 0100, तो अब यहाँ पर जो स्विचेस की पोजीशन है मैं वो भी उसी हिसाब से चेंज करता हूँ और फिर आउटपुट वोल्टेज चेक करता हूँ, तो वो आउटपुट वोल्टेज 1 के बराबर होगा। अब यहाँ स्विचेस की जो पोजीशन है वो है 0011 0100। ठीक है, यहाँ पर टेबल में देखिए हैं, ये है 0010100, तो इस पर एनालॉग की वैल्यू कितनी है, 1 वोल्ट है। अब यहाँ पर चेक करें तो इसमें भी 1.02, मतलब 1 ही है। ठीक है, अब मैं एक सेटअप और चेंज करता हूँ, 2.5 के लिए चेंज करता हूँ। 2.5 पर है 1000000, तो अब देखते हैं कि ये वैल्यू सेम आ रही है कि नहीं। यहाँ पर स्विच की पोजीशन है 1000000, अब यहाँ पर वोल्टेज चेक करते हैं, वोल्टेज कितना है, 2.5 वोल्ट, और यहाँ पर भी एनालॉग टू डिजिटल कन्वर्टर में वैल्यू कितनी थी, 2.5 वोल्ट। इस हिसाब से हम यहाँ पर डिजिटल टू एनालॉग कन्वर्टर का लैब इस तरह वेरीफाई कर सकते हैं।